कमा सकना तुम्हें। और अभी मौजूद है दाबका कैफे। दाबका नाम से बड़ा अजीब लगता है, तो दाबका कैफे कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है दुर्घटना पटना सिटी में, और बहुत जल्द आप आ सकते हैं। यदि आप पटना से रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं बस 10 मिनट का रास्ता, और फिर गुरुद्वारा जो है इसमें स्वागत नहीं करता है। और इस चैनल का एड्रेस का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाल दिया है, तो आप जरूर देख सकते हैं इसके। तो आज की दिखाएंगे आपको दाबका। अच्छा कॉफ़ी मशीन है यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ कॉफ़ी बनता है स्पेशली यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हो आप जो कॉफ़ी है वो छोटे छोटे नट्स में डिवाइड होता है, क्रश्ड होता है, फिर यहाँ से कॉफ़ी बनता है, आप देख सकते हो। तो जानते हैं सर से कि कैसे बनता है। सर क्या प्रोसेस है बनने का और ये किस तरीके से काम करता है? कॉफी मशीन में ये क्रश होता है। ओके अच्छा ठीक है। कॉफी मशीन क्रश होके इसमें आता है मोटा फिल्टर में। अच्छा ठीक है। और ये लिक्विड मतलब कॉफी बीन्स का लिक्विड इसमें गिरता है। अच्छा ठीक है। देख सकते हैं आप लोग कि लिक्विड गिर रहा है लगातार आपकी आंखों के सामने, देख रहे हो कैसे काम करता है ये। और हो गया। ओके लिक्विड को मैंने यहाँ रखा। अच्छा ठीक है। ओके अब मैं दूध को फ्रॉस्ट करता हूँ। ओके ठीक है। देख सकते हैं आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से काम करता है ये कॉफी मशीन, आप देख सकते हो। फ्रॉस्ट करते हुए ये पूरा प्रोसेस है जो सर अभी हमको हम लोग को बता रहे हैं, आप देख सकते हो। You can watch. 100 से 100 टू 110 डिग्री में होते हैं। अच्छा सॉफ्ट कर दूध को सॉफ्ट किया जाता है। ओके ओके ये कॉफी बहुत जल्दी हो जाता है। एक फायदा होता होगा सर कि बहुत जल्दी हो जाता है मशीन के थ्रू। सॉफ्ट हो गया जैसा देख रहे हैं आप, दूध का काम हो गया। अब डिजाइनिंग होगा इसका, आप देख सकते हो आपकी आंखों के सामने। ये हैंड डिजाइनिंग, ये हैंड डिजाइन है। कैपुचिनो, ये कैपुचिनो बन रहा है, आप देख सकते हो कैपुचिनो सर बना रहे हैं। और देख सकते हो दिस इज द वे द कैपुचिनो इज बीइंग मेड। और आप देख सकते हो सर खुद अपने हाथों से बना रहा है, बिल्कुल हार्ट शेप है। सो हाउ डू यू फील, कैसा लगता है आपको बनाते हुए? आप बनाते या फिर कोई दूसरा शेफ बनाते? नहीं बनाते थे कोई और है। अच्छा ओके आपके लिए सर रैंडम बताया है आप लोग, ये बस समझिए सर बनाते हैं, सर रैंडमली बता रहे हैं। सर इज हिमसेल्फ ओनर, आप देख सकते हो सर ने कितना अच्छा खूबसूरती के साथ बनाया है, बिल्कुल हार्ट शेप है और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो पीने में कितना ज्यादा खूबसूरत। और भी बनेगा सर? और ये और कौन कौन सा आइटम बन सकता है? आप देख सकते हो यहाँ 5 आइटम है, 5 आइटम रखी हुई है। कैपुचिनो बनता है, मोचा बनता है, फिर से फ्रेश लैटे एक्सप्रेसो, ये सारी जितने आइटम्स है सब बनती हैं। तो सर कितने आइटम्स बना सकते हैं आपके हिसाब से? कितने आइटम बन सकते हैं? 5-7 कॉफी में आराम से बना देता हूं। 6-7 कॉफी आराम से बना सकते हैं। कहते हैं इसे एक्सप्रेसो लिक्विड। ओके अच्छा कॉफी बीन्स लिक्विड ओनली फॉर एक्सप्रेसो। अच्छा तो लोग एक्सप्रेसो बोलते हैं, हां हां एक्सप्रेसो होता है ओनली फॉर कॉफी बीन्स लिक्विड। अच्छा ओके ओके जस्ट लाइक मदर कॉफी। हां हां मदर कॉफी देख सकते हो। ये कैपुचिनो का दूसरा डिजाइन, पिछले वाला तो हार्ट शेप में आपने देखा, देख सकते हो कितना ज्यादा खूबसूरती के साथ। वाओ वेल डन सर। और कलर भी अलग है देख सकते हो। नया डिजाइन आ चुका, कौन सा डिजाइन है सर? ये कैफे मोका, कैफे मोका देख सकते हो आप, कैफे मोका जो वहां लिखा हुआ था सर बना रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो बिल्कुल सनफ्लावर के शेप का है, बिल्कुल आप देख सकते हो सर राइट, सनफ्लावर का शेप मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ राइट, देख सकते हो सर इतने बड़े आर्टिस्ट है ये बहुत कम लोग को पता था, आज पता चला है। सर कब से आपने स्टार्ट किया ये सब करना? ये मैं जब बहुत
मैं ब्रू मास्टर भी हूँ ऑलरेडी. ओके ओके. तो कहाँ से आपके दिमाग में आया कि ये सारी चीज करने, कहाँ से ऐसा पैशन आया आपके? मेरा बचपन से ही. अच्छा, बचपन से पैशन मैनेजमेंट करूँ और ओके ओके खुद का ही कैफे खोलूँ. ओके ओके, खुद से ही सारा चीज. तो सर का ड्रीम कम ट्रू हो चुका है. आप देख सकते हो कितना ज्यादा खूबसूरती के साथ ये तीन तीन आइटम अभी हम लोग के सामने बने हैं. देख सकते हो आप, एक आइटम बाहर जा भी चुका है. आप देख सकते हो, अमेजिंग अमेजिंग काम भी अमेजिंग. थैंक यू. और नूडल्स की अगर बात करें, एक चिकन नूडल्स, तो चिकन नूडल्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा फर्क से लेवी लगा. तो जो आप नूडल्स वगैरह में जाते हैं दुकान से खाने के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा हटके और जो मेन्यू में है उससे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. मुझे लगा था कि नॉर्मल होगा, बट एक्चुअली इन रियलिटी इट वॉज वेरी बेटर. और हॉट कॉफ़ी के बारे में बात करें तो हॉट कॉफ़ी में कैपुचिनो मुझे मिला और कैफे मोका मुझे मिला. तो ये दोनों आइटम जो मुझे मिले मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे दोनों आइटम. और डीसी ब्राउनी सीजनर के बारे में क्या बोलूँ मैं, इसका वाड़े के से लेयर जो ही था वो काफ़ी ज़्यादा लुकिंग बहुत अच्छा लग रहा था. और जब मैंने खाया इसे तो मुझे लगा यार वाकई में बहुत अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा स्वीट था. तो मेरी हिसाब से आप लोग से यही है कि यहाँ इस कैफे में ज़रूर एक बार आइए, खाना टेस्ट कीजिए, इन्जॉय कीजिए. कैफे बहुत अच्छा है, कैफे बहुत ज़्यादा बेटर है और मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. सो थैंक यू. कस्टमर से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सोनू यादव. कब से आते हैं यहाँ पे डाप्टा कथन? अप्रॉक्स से एक साल से आ रहे हैं. तो आपको कैसा लगता है यहाँ का खाना, एम्बियंस कैसा लगता है सब आपको यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सब कुछ अच्छा जी, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी, खाना टेस्टी लगता है. एम्बियंस कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छा लगता है. तो आपका कौन सा बेस्ट वाड़ेगन से मेन्यू है, कौन सा फूड आपको बेस्ट लगता है यहाँ पे? बीबीक्यू कौन सी आपको बेस्ट लगता है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद साकिब है. मोहम्मद साकिब, किस क्लास में पढ़ते हो? सेवन स्टैंडर्ड. तो कब से आते हो डाक्टर कैफे में? एक साल से आ रहे हो. तो कौन सा फूड आइटम तुमको बेस्ट लगता है? ब्राउनी संडे. क्यों अच्छा लगता है, क्या खास है? बहुत चॉकलेट रहता है. अच्छा, चॉकलेट ही रहता है. और टेस्ट कैसा लगता है तुमको? बहुत बेहतरीन लगता है. और एम्बियंस कैसा लगता है तुमको यहाँ पे? वॉल पेंटिंग्स वगैरह कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. खेलने का चीज भी है. वाह, सो बच्चों के लिए खेलने का चीज भी है. बच्चे सब आएंगे यहाँ डाक्टर कैफे में, राइट? क्या क्या खेलने की चीज है? आपका कहते हैं कि ओनर है हमारे साथ, ओनर से बातचीत करेंगे क्या खास है और लोग क्यों आते हैं. सुभाष सुनिए सर, मोहम्मद रियाज सर, कब खुला था ये कैफे? 12 सितंबर 2000. और बाकी लोगों का तो थोड़ा लॉस हुआ है, लॉस फेस करना पड़ा होगा. तो सर व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस, क्या स्पेशलिटी है ये कैफे में? मतलब मतलब ये है कि कोई भी आए यहाँ पे सब खुश होकर जाता है बस. और यहाँ पे डिशेज जो है एक मतलब एक फ्रेंचाइजी में जो आप जो मतलब आप चाहते हैं वो चीज़ें हैं मेरे को, ठीक है. एक अच्छा मतलब आप कैसे बैंक ऑनर डोमिनोज वगैरह के आप में जाके खाते हैं जी, तो उस तरह का आपको यहाँ पे बैठ के फील होगा. तो यहाँ पे आपको मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, वैसा आपको फीलिंग देगा ये रेस्टोरेंट. और सर मेरा फाइनल सवाल ये है कि ऑफर कैसा रहा, बिकॉज लोगों को इंतजार रहता है ये ऑफर चल रहा है, तो ऑफर बता सकते हैं? अभी ऑफर अभी जैसे सावन का महीना है. ओके, तो सावन के महीने में अभी कोल्ड पे लॉन्च हुआ है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह चिकन, अभी चिकन बंद हो चुका है, बिकॉज चिकन कम लोग खाते हैं. जैसे अभी पनीर फैमिली जो ऑर्डर करेंगे उसी सब्जेक्ट
नाम खोल के पनीर सैंडविच बाय टू गेट वन फ्री है और कुछ ऑफर तो बाय टू गेट वन फ्री ऑफर चल रहा है किसी भी फूड आइटम में सर। तो डाप का क्या आप नाम सुन लीजिए पटना सिटी में है। यदि आप दो आइटम परचेज करते हैं तो एक आइटम आपको बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री होगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग।